गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके। अपन ने लास्ट वीडियो में ए टू एल स्मॉल लेटर्स लर्न किए थे और लिखना सीखा था, है ना? आज अपन एम एन एंड ओ लिखना सीखेंगे। पहले अपन ए टू एल रिवाइज करेंगे, तो देखिए सभी मेरे साथ। स्मॉल ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के एंड एल। ये क्या है? स्मॉल लेटर्स ए टू एल। ये सभी को अपन ने लास्ट वीडियो में रिवाइज किया था। अब अपन न्यू लेटर्स क्या सीखेंगे? एम एन एंड ओ। एम पहले लिखना सीखेंगे। एम स्टैंडिंग लाइन, फिर टू कर्व लाइन। व्हाट इज दिस? एम फिर से देखिए, स्टैंडिंग लाइन फिर टू कर्व लाइन। क्या ये? एम फिर से देखिए, स्टैंडिंग लाइन फिर टू कर्व लाइन। व्हाट इज दिस? एम एम फॉर मैंगो। फिर क्या आता है? एम एन, स्टैंडिंग लाइन और कर्व लाइन, स्टैंडिंग लाइन और कर्व लाइन, स्टैंडिंग लाइन और कर्व लाइन। व्हाट इज दिस? एन एम एन। फिर क्या आएगा नेक्स्ट? ओ ओ और ओ। सिर्फ टू लाइंस में ही बनाना है, बीच की दो लाइन में ही बनना चाहिए, ना बड़ा बनना चाहिए ना छोटा बनना चाहिए, सिर्फ इन दोनों के ही बराबर होना चाहिए, इससे टच होना चाहिए बस। बहुत से बच्चे कैसे बना रहे हैं? ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे और ऐसा करेंगे। नो, दिस इज रॉन्ग। ये रॉन्ग है, गलत है। आपको सिर्फ बीच की लाइन में ऐसे और ऐसे बनाना है। ओके, यही राइट है। ये वाला रॉन्ग है। सिर्फ मिडिल टू लाइंस यूज करनी है। ओके, फिर अपन रिवाइज करते हैं एक बार। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। अब अपनी ओ तो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पी क्यू आर करेंगे। ओके, थैंक यू।